नमस्कार, अर्चना स्वाद बास्केट में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आप सभी को ईद मुबारक और अक्षय तृतीया के लिए बहुत बहुत बधाई। वीगन स्पेशल में आज हम मैंगो कुल्फी बनाएंगे, वो भी घर पर। तो जान लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। आम के क्यूब्स लिए हैं, बादाम के कतरे, कुछ स्टिक्स कुल्फी के लिए, मोल्ड चाहिए और सिल्वर कॉयल से कुछ कटे हुए पीस लिए हैं। साथ ही हमने दो मैंगो, एक कप आलमंड मिल्क और दो बड़े चम्मच चीनी को ब्लेंड करके एक प्यूरी बनाई, जो इस प्रकार दिख रही है। आलमंड मिल्क का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वैसे आप रेडीमेड आलमंड मिल्क भी ले सकते हैं। ये वीगन कुल्फी है, इसलिए हमने डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, क्रीम आदि नहीं यूज़ किया है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोल्ड लेंगे और उसमें आम के क्यूब्स को डालेंगे, सभी मोल्ड में। फिर डालेंगे नटी फ्लेवर के लिए बादाम के कतरे। अब डालेंगे ये मैंगो प्यूरी और फिर सिल्वर कॉइल से सभी मोल्ड को कवर करेंगे, कुछ इस प्रकार। चाकू से कट लगाएंगे और स्टिक को फिक्स कर देंगे। हमारे सभी मोल्ड तैयार हैं। अब इन्हें फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं कुल्फी जमने के बाद। 4-5 घंटे हो गए हैं, कुल्फी जम गई है, इस प्रकार दिख रही है। तो इसे डीमोल्ड करने के लिए एक पॉट में पानी लेंगे, उसमें मोल्ड को डिप करके फिर दोनों हाथों से रोल करके, जिससे कुल्फी आसानी से निकल पाएगी। अब स्टिक को पकड़कर रोल करते हुए निकाल लेंगे। ऐसे ही सभी मोल्ड को पानी में घुमाएंगे, हाथ से रोल करके फिर इस प्रकार निकाल लेंगे। कितनी अच्छी लग रही है हमारी मैंगो कुल्फी विथ नटी फ्लेवर बनकर तैयार है। ये टेस्टी, हेल्दी एंड डिलीशियस है। गर्मी के मौसम में, व्रत में, त्योहार में या यूं ही इष्ट मित्रों के साथ मैंगो कुल्फी का मजा लीजिए, जो बनाने में आसान है और खाने में मजेदार। तो आपको भी अर्चना स्वाद बास्केट की मैंगो कुल्फी विथ नटी फ्लेवर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस रेसिपी को ट्राई करते हो तो इसकी पिक खींचें और हैशटैग अर्चना स्वाद बास्केट को टैग करके इंस्टाग्राम पर शेयर करें। कोविड-19 के इस दौर में आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।